नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया ऑनलाइन में। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं लोन लेने से होने वाली जो परेशानियां हैं उनसे किस तरीके से बचा जाए। दोस्तों पैसा तो हर इंसान की ज़रूरत की चीज़ है, ये तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन हम अपना घर बार कैसे चला सकते हैं उतना कैसा हर बार हम नहीं कमा पाते जितना हमें अक्सर कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। अब जब हमें ज़रूरत से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है तब हमारे पास एक ही विकल्प ज़्यादातर दिमाग में आता है कि हम लोन ले लें, और लोन लेने के लिए हमारे पास जो है वो सबसे पहला विकल्प आता है बैंक का। बैंक हमें लोन देने की ताकत रखता है और बैंक तो अक्सर ही लोन लेने वालों को ढूंढते ही रहते हैं, लेकिन बैंक वालों को लोन देने से बहुत बड़े बड़े फ़ायदे भी होते हैं जो लोन देने वाले इंसान को अक्सर पता नहीं होते, और वे जल्दबाजी में लोन के पेपर पर जल्दी जल्दी सब जगह साइन कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन दोस्तों साइन करने से पहले हमें ध्यान से बैंक के पेपर्स को पढ़ना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप बैंक से लोन ना लें, लेकिन आप जब भी लोन लें तो सारे पेपर्स को, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ें और तभी साइन करें। जब आपको पेपर से संतुष्टि मिल जाए तब आप उन पेपर पर साइन करके बैंक से लोन ले सकते हैं। दोस्तों जब आप लोन लेते हैं तो उस मामले में सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करें। मान लीजिए अगर बैंक लोन लेने वाले व्यक्ति की अचानक मौत हो जाती है तो उसके परिवार पर एक बड़ा बोझ आ जाएगा। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको लोन लेने से पहले सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक बार ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही संतुष्ट होने पर ही आपको बैंक के लोन के पेपर साइन करना है। मॉर्गेज लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम जैसी बीमा पॉलिसी से आपके परिवार का ना सिर्फ बोझ घटेगा बल्कि बैंक लोन की बाकी रकम भी बीमा कंपनी ही चुकाएगी। इससे आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित बन सकेगा। इसे आप एक बोझ की तरह नहीं बल्कि मदद की तरह लें। एक खास बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, जब भी हम लोन लेने जाएं तो उसे इंटरनेट के माध्यम से अलग अलग बैंकों से तुलना कर लें। जी हाँ दोस्तों, किस बैंक की इंटरेस्ट दर जो है, इंटरेस्ट रेट जो है वो कम है और किस बैंक में आपको ज़्यादा अच्छी सर्विस मिल सकती है, ये सारी चीज़ें आप इंटरनेट के माध्यम से पता कर सकते हैं और आपको पता करनी चाहिए। आपको हमेशा महीना का जो बकाया राशि है उसे समय से पहले देने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपका जो बैंक द्वारा कड़ी कार्रवाई और अकाउंट से पैसा कटने वाली जो चेतावनियां होती हैं उनसे आप बच सकते हैं, ऐसी जो कंडीशंस हैं वो आपके सामने नहीं आएंगी। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए और देश भर से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए आप हमें फॉलो करें, शेयर सब्सक्राइब करें कि दोस्तों देखते रहिए आप इंडिया ऑनलाइन।